गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परेश जैन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो है गोवा में मेरा चौथा दिन है। 3 दिन के लिए मैंने लव टेंपल में अपना रूम बुक किया था, आप देख ही चुके हो। तो अब जो है यहाँ से निकलने की समय आ चुका है। मैं किसी और प्लेस पर जा रहा हूँ जो कि बहुत ही दिल के करीब है। वो प्लेस 2 साल पहले भी जब मैं आया था तो उसके ही जैसे ही एक जगह पर स्टे किया था मैंने। अब जो है ठीक उसी के ऊपर वाले ही रूम में फिर से मैंने शिवा को कॉल किया और वहीं पे मेरा स्टे बुक किया है 3 दिन के लिए। तो अब यहाँ से निकल के टूवर्ड्स जा रहा हूँ स्वीट लेक की तरफ, और अगले 3 दिन जो है मैं स्वीट लेक की तरफ ही स्टे करूँगा। आपको फिर से एक बार वो रूम भी शूट करके बताऊँगा। जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा उसके लिए ये रूम फिर से एक बार नया है। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों। इस वक्त जो है मैं अपने नए घर में जो है शिफ्ट हो चुका हूँ, और हकीकत कहूँ लव टेम्पल से 100 गुना अच्छा मुझे ये रूम लगता है क्योंकि इसका लोकेशन इतना ब्यूटीफुल है। तो चलो आपको भी साथ में लेके चलते हैं, आप भी देखिए और बताइए मुझे कि वाकई में रूम इतना अच्छा है या नहीं। चलिए लव टेंपल का जो मैंने रूम लिया था, दैट वाज टेंट, सी फेसिंग टेंट कहा जाता है उसे, 2000 रुपीज़ ए डे था। और ये इतना खूबसूरत लोकेशन पे जहाँ पे नीचे तक समुद्र की वेव्स आ रही है और यहाँ बैठे बैठे खड़े खड़े मुझे समुद्र की वेव्स की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। और यहाँ का जो रेंट है दोस्तों बहुत ही रीज़नेबल है, सिर्फ 800 रुपया पर डे का। तो सोचिए कहाँ 2000 रुपये और कहाँ 800 रुपये, कहाँ समुंदर की लहरों की शोर उसके आवाज़ के बीच में मैं रहूँगा कुदरत के एक नेचर के साथ में, और कहाँ वहाँ थोड़ा सा समुंदर के पीछे की तरफ था। तो बस यही फ़र्क पड़ता है, सबका अपना अपना टेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी जैसे चाहिए तो आप वहाँ स्टे कीजिए, और समुंदर के किनारे और नेचर के साथ में रहने का अगर मूड हो एकांत में तो मेरी तरह आप भी इस टाइप का एक छोटा सा घर यहाँ पर ले लीजिए 800 रुपये में। तो दोस्तों जो है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह फिर से एक बार मैं ओम गणेश रेस्टोरेंट में आया हूँ। अक्सर मैंने यही देखा है कि आपको जो पसंद जगह आती है आप हर बार उसी जगह पे जाते हो, और गोवा में अक्सर ऐसा ही होता है कि जितने भी लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं वो एक ही जगह पे जहाँ हर साल उतरते वहीं स्टे करते हैं, जहाँ वो खाना खाते वहीं खाते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ, मुझे यहाँ का टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मॉर्निंग को यहाँ ऑरेंज जूस लेता हूँ, कॉफ़ी लेता हूँ, ये मेरा रोज़ का जो है फिक्स शेड्यूल है। तो ये कई सालों से हो रहा है और इस बार भी आज के जो दिन की शुरुआत है वो हालांकि 1:30 बज चुके हैं, लंच तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऑरेंज जूस के साथ ज़रूर शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ जंगल गार्डन करके एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसके बारे में मैंने भी सुना है, देखा मैंने भी नहीं वो जगह कभी, लेकिन आज वहाँ पे कोई डांस का इवेंट है। तो उस डांस के इवेंट के लिए इस वक्त मैं आ चुका हूँ जंगल गार्डन, जंगल डांस कैफे नाम है इसका, और ये है अरम्बोल बीच पे। और बाइक्स देख के लग रहा है कि हाँ पब्लिक तो है और कुछ अच्छा यहाँ चल रहा है। कैमरा रोटेट करता हूँ और बाहर का एक व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट है तो नहीं है। टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज था कि यहाँ पे डांस का कुछ इवेंट है, बट शायद किसी वजह से कैंसिल हो गया होगा। पर जगह बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है, स्विमिंग पूल है, आपके रहने के लिए भी यहाँ पे अच्छे अच्छे रूम्स हैं। नाम बता दिया है मैंने आपको, थोड़ा बहुत शूट भी कर दिया है, आओ तो ज़रूर चक्कर मारो, यहाँ पर आप इन्जॉय करोगे। दोस्तों इस वक्त मैं शून्य में आया हूँ, और शून्य में आज जो है इरीना एक लड़की है, साउंड हीलर है जो कि रशिया से है। बहुत ही अच्छा साउंड हीलिंग का फील देने वाली है वो आज यहाँ पे। तो बहुत अच्छा इवेंट है, ये इवेंट नहीं कहूँगा, एक मेडिटेशन कहूँगा इसे। तो आधे घंटे के लिए मैं भी इस मेडिटेशन का हिस्सा होना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे।
और बहुत खूबसूरत सा मैं कैप्चर भी करूंगा इसे आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से साउंड हीलिंग होती है। वैसे बता दूं साउंड हीलिंग के बारे में कि मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि साउंड हीलिंग वर्क नहीं करता है जब मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना था, पर आज का जो मेरा अनुभव था वो दूसरा अनुभव था। दूसरी बार मैंने साउंड हीलिंग किया है आज। वाकई में कहूं दोस्तों, इतनी गहरी नींद में आप चले जाते हो, इतनी डीप स्लीप में आप चले जाते हो कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप हो। आपका जो दिमाग है वो चलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, आप पूर्णतया शून्य हो जाते हो। तो मैं यही कहूंगा कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो साउंड हीलिंग की प्रैक्टिस जरूर करना, आपको बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, कई बार हम हिंदुस्तान में रह के भी हमारी संस्कृति को जो है अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो हरे राम हरे कृष्णा का जो कीर्तन देखा है, जो भजन मैंने खुद किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसे मैं कहता हूँ कि हम अपने देश में रह के हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, लेकिन विदेशों के लोग जो है वो हमारी संस्कृति को अपनाते जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, सोचिए इस बारे में।